एसिटाइल कोलिन रिस्पेक्टर एंटीबॉडी क्या है? आपको बता दें कि यह एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है जिसमें एसिटाइल कोलिन रिस्पेक्टर एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। एसिटाइल कोलिन रिस्पेक्टर एंटीबॉडी ऐसा पदार्थ है जो मांसपेशियों के सेल मेंबर ब्रेन पर एसिटाइल कोलिन रिप्लेस को जोड़ने से रोकता है। एसिटाइल कोलिन मांसपेशियों में संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित करते हैं। वहीं एसिटाइल कोलिन रिस्पेक्टर एंटीबॉडी मांसपेशियों को सिकुड़ने से रोकता है जिससे जकड़न महसूस होती है। ये समस्या मास्थेनिया ग्रेविस के लक्षणों में से एक है। एंटी टाइम्स कोलिन रिस्पेक्टर एंटीबॉडी 85% मास्थेनिया के मरीजों में पाया जा सकता है। एसिटाइल कोलिन रिस्पेक्टर एंटीबॉडी एक ऐसा टेस्ट है जिससे मास्थेनिया का सटीक रिजल्ट आता है। इसके अलावा इस टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर मास्थेनिया का इलाज शुरू करते हैं। एसिटाइल कोलिन रिस्पेक्टर एंटीबॉडी टेस्ट क्यों किया जाता है? आपको बता दें कि मास्थेनिया ग्रेविस के लक्षण सामने आने के बाद डॉक्टर इस टेस्ट को करने के लिए कहते हैं। मास्थेनिया ग्रेविस को ठीक करने के लिए की जाने वाली इनमोपरेसिस थेरेपी को मॉनिटर करने के लिए यह टेस्ट कराए जाने की सलाह दी जाती है। मास्थेनिया ग्रेविस के लक्षण निम्न हैं। आपको बता दें कि सीने के मसल्स में कमजोरी के कारण सांस लेने में कठिनाई होना, चबाने निगलने में कठिनाई होना जिससे बार बार गैंगिंग चोकिंग या ड्रॉलिंग होते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होना, बात करने में कठिनाई होना, सिर का झुका रहना, चेहरे की मसल्स का कमज़ोर होना, हमेशा थूकना महसूस होना, थूकते वक्त दिक्कत आना, हमेशा थकान महसूस होना, आवाज़ बैठना या आवाज़ बदल जाना, बात करने में परेशानी महसूस करना, ये सब दिक्कत आती हैं। तो जब इसके लिए डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं, जब ये परेशानी आती हैं तो डॉक्टर एसिटाइल कोलिन रिस्पेक्टर एंटीबॉडी टेस्ट को करने के लिए बोलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी समझ में आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। रोजाना हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहती हैं हेल्थ से संबंधित।